निकाय चुनाव में भाजपा से टिकट कटने से भागे हुए रूपेश कुमार श्रीवास्तव निर्मल, पत्नी संध्या निर्मल श्रीवास्तव ने भरा निर्दलीय पर्चा। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए बागी रूपेश कुमार श्रीवास्तव आंख से छलके आंसू, बोला मेरे साथ हुआ अन्याय, स्थानीय संगठन ने नेतृत्व को किया गुमराह, मैं नहीं रिमोट से चलने वाला। भाजपा ने गोंडा नगर पालिका महिला सीट से लक्ष्मी राय चंदानी को बनाया है कैंडिडेट। पूर्व में रूपेश कुमार श्रीवास्तव एक बार जीत चुके हैं नगर पालिका गोंडा से निर्दलीय चुनाव। भाजपा के लिए 23 साल से गोंडा नगर पालिका के सूखे की राह पर फिर दिख रही है मुश्किल। कर रहा हूँ और 17 साल में जनता ही है, यहाँ की सम्मानित जनता, जिन्होंने मेरा साथ हमेशा दिया और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हमेशा बना भी रहा है। मैं उनसे एक बार पुनः अपील करता हूँ कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ हमेशा अन्याय होता रहा। जनता जानती है कि मैं 18,000 वोट पाता हूँ और पार्टी 2,500 पाती है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि संगठन रिपोर्ट लग जाता है गलत तरीके से, जो भी चीज़ें हैं हर बार एक बार गलती होती है, बार बार गलती नहीं होती। और संगठन में सभी लोग नहीं, बस कुछ लोग हैं, एक दो लोग ऐसे जो एक योजनाबद्ध तरीके से और सिस्टम बैठा देते हैं और चीज़ें माइनस हो जाती है। और पार्टी के नेतृत्व में ऊपर भी, यहाँ से सबसे ज़्यादा दुख हमको इसलिए कि लगातार 5 साल से मैं संघर्ष कर रहा हूँ लेकिन पार्टी ने पैनल में नाम ही नहीं भेजा हमारा। अगर स्थानीय राजनीति की आप बात की है कि उनका आप शिकार हो रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? अगर पार्टी में कुछ लोग इस तरह हैं, देखिए सब लोग ये चाहते हैं कि यहाँ जो भी चेयरमैन हो वो रिमोट से चले, साइन उनका हो लेकिन निर्णय किसी और का हो, और वो चीज़ें मुझ पर नहीं लागू होती हैं। यहाँ मेरे में ये है कि साइन मेरा होता है और निर्णय आपका होता है, जनता का होता है। आप बताइए, तो ये 5 साल से लगातार आपने जमीनी संघर्ष किया है, जुड़े रहे हैं, जन जन तक पहुंचने का काम किया है, अब चूंकि आपने पर्चा भी दाखिल निर्दल के रूप में शायद किया है, तो क्या किस तरीके का आशीर्वाद जनता से चाह रहे हैं? जनता देख रही है मेरे साथ लगातार अन्याय हो रहा है, वो जानती है कि मैं बचपन में ही 12 साल का था तभी मेरे पिताजी और भाई की हत्या भी हो गई, और जनता जानती है मुझे हमेशा पिता और भाई की कमी कभी महसूस नहीं हुई और हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो मेरे साथ खड़े हों और मेरा सहयोग करें।